वेलकम बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो यानी कि दोस्त और दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फायदेमंद के भी हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। देखो कैसे, अब यही सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमारा टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, मतलब जो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ये सब बताऊंगी आपको बारे में। अब आता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी कि विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, बहुत सारे, जैसे कैट का बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। अच्छा, अब बात आती है वेयर दे लिव, ये कहाँ पर रहते हैं। ये सब जगह रहते हैं, दे लिव एवरीवेयर, एयर में, वाटर में, एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे और एक्सट्रीम कोल्ड पर भी ये रह सकते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी ये रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी ये रह सकते हैं, और वाटर बॉडीज में, एयर में, सब जगह एवरीवेयर, दे लिव एवरीवेयर। अब अच्छा, एक बात, एक टर्म और है यहाँ पर, वो है सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं रिप्रोड्यूस होने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, तो ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं और उसको कहते हैं सिस्ट। और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, उस हार्ड कवरिंग को तोड़ देते हैं और मल्टीपल होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से, देखो, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगा एंड प्रोटोजोआ। अब बात आती है बैक्टीरिया, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया क्या होता है, देखो, बैक्टीरिया इज द वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इसका साइज 0.2 to 100 माइक्रोन, यानी साइज वेरी करता रहता है इसका, 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन तक का इसका साइज होता है। माइक्रोन यानी कि 1/1000 मिलीमीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ हो गई 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, समझ गए। 1 मिलीमीटर जो आप अपनी स्केल में देखोगे, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, उतने छोटे ये होते हैं। तो आप सोच लो कि ये हमें कैसे दिखाई देंगे, है ना, बिना माइक्रोस्कोप। और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। अब ये 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। पहला है बैटिली। बैटिली रॉड शेप, रॉड की शेप के होते हैं। इसका एग्जांपल है एस्टेरिजिया कोलाई। दूसरा हो गया कोकाई, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको शेप दिखाई देगी। ये गोल शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थर्ड है वाइब्रो। वाइब्रो ये कॉमा की शेप में होते हैं। इसका एग्जांपल है वाइब्रो कॉलेरा। वाइब्रो, वाइब्रो कॉलेरा। उसके बाद है स्पाइरिला, यानी स्पाइरल शेप में होते हैं ये, और इसका एग्जांपल है स्पाइरिला। स्पाइरिला। अच्छा, अब उसके बाद आता है बैक्टीरिया हो गया, तो अब उसके बाद आता है क्या, वायरस। अब वायरस में देखो, आजकल वायरस आपको पता है, बहुत सुन सुन के आपको मालूम पड़ गया होगा। तो दे आर, मतलब इनका जो दूसरा नाम है उनको पॉइजनस लिक्विड भी बोला जाता है। वायरसेस को पॉइजनस लिक्विड भी बोला जाता है। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये। दे कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, दे ओनली कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं और ये कहीं पर भी मल्टीपल होना शुरू नहीं हो जाते हैं, जैसे कि एयर में, एयरवेयर में, जब तक इनको होस्ट की बॉडी नहीं मिलेगी, यानी कि जब इनको कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा मल्टीपल होने के लिए, वहां पर ये मल्टीपल होंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस एयर में नहीं है, एयर में ये ज्यादा समय तक नहीं रह सकता जब तक कि इसको होस्ट की बॉडी ना मिले, यानी कि कोई भी एनिमल, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऐसी बॉडी उसको नहीं मिलेगी तब तक वो मल्टीपल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये लिंक है, वायरस क्या है, एक लिंक है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। देखो कैसे कि जब इनको होस्ट बॉडी मिली तो ये लिविंग हो गए, यानी मल्टीपल होना शुरू हो गए, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। और जब इनको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी, जब इनको कोई भी जहां पर ये मल्टीपल हो सके, तो ये अपने चारों ओर सिस्ट कन्वर्ट कर लेंगे, सिस्ट बना लेंगे, अपने चारों ओर फॉर्म कर लेंगे और नॉन लिविंग की तरह पड़े रहेंगे। ओके, है ना। तो अब आप देख रहे हो इसका एग्जांपल क्या है, वायरसेस के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, और सबसे ज्यादा इन टुडेज एनवायरमेंट, टुडेज जो चल रहा है हमारा आजकल के उसमें, तो वो तो कोरोना वायरस। तो उसके बाद आगे के जो फंगाई, प्रोटोजोआ, ये आपके टॉपिक रह गए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करने का हूँ।